हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना पहला व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। हम आ पहुंच चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। यहां से गाड़ी करने वाले हैं ताज एक्सप्रेस, जो कि सुबह 6:55 पर निकलने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं ताजमहल की ओर। अभी हम 6:55 पर अपनी गाड़ी में बोर्ड करेंगे ताज एक्सप्रेस, और हम यहाँ पहुँच चुके हैं इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है। हम अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकल चुके हैं अपनी आगरा कैंट की ओर। अब दोस्तों, अब हमने अपनी जर्नी शुरू कर ली है। हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन हमारी चल रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हमारे राज एंजॉइंग बैठे पूरा 1 घंटा हो चुका है और हम अभी करीब करीब पलवल स्टेशन के पास पहुंचने वाले हैं। पलवल से हमारा अगला स्टेशन कोसी कला और फिर बथुरा और उसके बाद आगरा कैंट। हम आगरा कैंट पर ही उतरेंगे, वहां से हम देखते हैं टैक्सी लेते हैं। हम टैक्सी लेकर के सीधा हम चलेंगे ताजमहल। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम यहाँ ट्रेन में बैठे हुए हैं, ट्रेन चल रही है, ट्रेन इज मूविंग स्लीपिंग ऑन मास्टर। वी आर एंजॉइंग, बहुत ही आनंद आ रहा है आज हमें, बहुत अच्छा लग रहा है। जी हाँ, आप जो भी अपना ऑफिस में काम करते हैं तो आप कोशिश करें कि बीच बीच में थोड़ा घूम फिर के जरूर आएँ। कई बार होता है कि हम 2-3 दिन का टूर नहीं बना पाते हैं, लेकिन आप 1 दिन का टूर ही अगर बना सकते तो आसपास के इलाकों में कहीं कहीं उतर के आइए। जैसे कि हम दिल्ली में रहते हैं तो हमने 1 दिन का टूर बनाया है आगरा का। हमने सुबह 7 बजे ताज एक्सप्रेस गाड़ी ली है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, जो हमको करीब 9:30 बजे आगरा कैंट उतार देगी। फिर वापसी के अंदर हम शाम को 6:20 की गाड़ी पकड़ेंगे ताज एक्सप्रेस, जो हमको रात को करीब 9:30 बजे दिल्ली वापस उतार देगी। हम घर 10 बजे तक अपने किसी दिन पहुँच जाएंगे। हमें आज का 1 ही दिन मिला है और हम उस 1 दिन के अंदर आगरा, ताजमहल, लाल किला, 2 चीज़ कवर करने वाले हैं। आइए, मैं आपसे अब आगे मिलता हूँ आगरा स्टेशन पहुँच करके। दोस्तों, फाइनली हम आगरा कैंट पहुँच चुके आगरा कैंट। फाइनली हम आगरा पहुंच चुके हैं। भाई, आपको कैसा लग रहा है आगरा पहुंचकर? अच्छा लग रहा है आपको?
दिस इज आवर ट्रेन जिससे हम अभी अभी उतरे हैं। अभी ट्रेन आगे झांसी के लिए जाएगी। आइए हम निकलते हैं थोड़ा सा आगे। हेलो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ आगरा स्टेशन पर उतर चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे लिखा हुआ भी है। आई लव आगरा। और अब जैसे वहाँ से उतरेंगे यहाँ आपको ये टैक्सी स्टैंड मिलेगा। यहाँ से आप टैक्सी, ऑटो जो भी आप चाहें, जो है गवर्नमेंट का है ये, आपको बिल्कुल वाजिब दाम पर मिलेगा। इसमें कोई धोखेबाजी नहीं होगी। जो रेट बनता है वही आपको आपसे दिया जाएगा। आपको पूरा पैकेज दिया जाएगा। जहाँ जहाँ भी आप घूमने जाना चाहते हैं वहाँ पर आप घूम के आ सकते हैं। यहाँ हम पहले आए हैं इत्माद उल दौला के पास, जो कि जाना जाता है बेबी ताज के नाम से। इसका बाहर का स्ट्रक्चर रेड कलर का है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आकर सबसे पहले आपको जो है टिकट करानी पड़ेगी। यहाँ आपको स्कैनर दिया गया है, यहाँ से आप स्कैन करके, एक टिकट अडल्ट और इंडियन 20 रुपये का है, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। और टिकट ले करके आप सीधे अंदर एंट्री कर सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे पीछे ये देखिए, ये जो गेट है एतमाद उल औला का, और यहाँ से रेड कलर का गेट है, जैसा कि हमारा दिल्ली में हुमायूं टॉम्ब है, सेम उसी के स्ट्रक्चर पे बनाया गया है। अंदर से ये ऐसा बना हुआ है जैसा कि बेबी ताज हो, छोटा ताज हो। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ। दिस इज़ द गेट ऑफ एतमाद उल औला, जो बाहर से ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल हुमायूं टॉम्ब हो, और उसी की याद पर ही बनाया गया है भारकस का गेट। हम अब अंदर चल रहे हैं। अंदर से आपको मैं दिखाने वाला हूँ एक ही बहुत ही खूबसूरत सा बेबी ताज। अभी तक आपने ताजमहल तो बहुत देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको बेबी ताज दिखाने जा रहा हूँ। देखिए इसके बाहर कितना ब्यूटीफुल गार्डन बना हुआ है। ये इस गेट की पूरी नक्काशी बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि हमारे हुमायूं टॉम्ब का गेट होता है। हेयर वी गो दोस्तों, अब हम यहाँ एंटर कर रहे हैं। हेयर वी गो, बड़ा ब्यूटीफुल लुक है यार। दिस इज द बेबी ताज, डियर फ्रेंड्स, लुक एट दिस। एंड हियर इज द गेट ऑफ दिस बेबी ताज, यू कैन सी। पहुँच चुके हैं इत्माद उल दौला, जो कि बेबी ताज के नाम से जाना जाता है। ये 1622 में बनना शुरू हुआ था दोस्तों, और करीब 1628 तक में तैयार हो गया था। और इसको ताजमहल के देखा देखी ही बनाया गया था, उसके डिज़ाइन पर, इसको पैटर्न पर तैयार किया गया है। आप देखिए कितना ही खूबसूरत है ये। इसके दोनों तरफ ये दो बुलंद दरवाजे बने हुए हैं, जैसे कि सेम हमारे हमने देखा है ताजमहल के आसपास आमने सामने होते हैं, ठीक उसी पैटर्न पर इसको बनाया गया है। इसके सामने देखिए एक गेट ये बनाया हुआ है, और इसके ठीक अपोजिट में दूसरा गेट यहाँ बनाया हुआ है, और ये अपना आपका बेबी ताज। -1 to say something. ओके, माइरल टेकिंग यू टू इनसाइड। हम बेबी ताज के अंदर जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टू शो यू दैट, देखिए यहाँ पे कितनी खूबसूरत नक्काशी की गई है, जैसे कि ताजमहल पर करा गया है। सेम टू सेम वैसा तो नहीं है, लेकिन काफ़ी बढ़िया और उसके मुकाबले बहुत ही अच्छा बनाया गया है। सो वी आर गोइंग इन साइड द बेबी ताज, जिसको हम इत्माद उल दौला भी कहते हैं।
यहाँ पर पहले एक तालाब हुआ करता था, उसमें फुहारा चलता था, लेकिन अभी फिलहाल ये सूखा हुआ है। अब माहिरा आपको अंदर लेके चलेंगी। माहिरा चलिए। अब मैंने अपने शूज उतार दिए कि और देखो बहुत अच्छा लग रहा है। अब चलो अंदर। सो वी आर गेटिंग इनसाइड ऑफ दिस लिटिल ताज महल। देखो डबल आवाज भी आ रही है ना। यहाँ पर कुछ मुगलों की कब्रें बनी हुई हैं। अंदर नहीं जा रहे, उसे अंदर नहीं जाते हैं। कुछ कब्रें यहाँ पर हैं, हमको सिर्फ यहीं बाहर तक ही अलाउड है। हम आपको यहीं तक ही घुमा सकते हैं। ये देखिए जाली बनी है, बहुत ही बेहतरीन। ये है बहुत सुंदर जान। फ्रेंड्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए इसके दीवार पर भी कितनी खूबसूरत नक्काशी हो रखी है। बहुत ही बेहतरीन राउंड सर्कल ही बनाया हुआ है और कितनी प्यारी प्यारी वास फूल पत्तियाँ ये सब पत्थर काट काट के बनाए गए। ब्रिटिशर्स के ज़माने से ये बना हुआ है। 1622 में बनकर तैयार हो गया था। ऊपर देखिए कितना खूबसूरत छत बनाई है, थोड़ा सा वो पुराना हो गया है, मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो पा रहा है इसका, ऐसे बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। हम यहाँ से और आगे जा सकते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये सब अंदर कब्र बनी हुई है मुगल्स की। मायरा एंड सुपर रनिंग यार रेस लगा रहे हैं, बहुत बेहतरीन। आप देखिए हम इधर उधर टॉम से निकल रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन जगह है ये। अब जब भी आप आगरा आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ। कहने को मिनी ताज है लेकिन बहुत ही अच्छी जगह है ये भी। यहाँ पे काफ़ी कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, जब आप आएंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। ताजमहल के अंदर ये एंट्री है। जो अभी आप जो आए ना, वो पुरानी मंडी आर के स्टूडियो की गाड़ी में थोड़ा एंट्री कर रहे हैं। ये देखिए बताइए भैया, जाने के लिए बाहर ताजमहल देखते हैं। ओके हाँ बताइए, क्या बता रहे थे आप? ताजमहल जाने के लिए बाहर घूमने के बाद। ओके बाहर जाने का रास्ता है ये। दिस इज ताजमहल। हमारे भागना नहीं है। दोस्तों ये है रॉयल गेट। अब मैंने समझाऊं? बताइए। देखो अभी जो आपने एंट्रेंस किया ना, इसको बोलते हैं बेस्ट गेट एंट्रेंस गेट। मतलब साउथ गेट, लेबर कॉलोनी गेट, 20,000 वर्कर मुगल टाइम जिन्होंने ताजमहल बनाया, उनके रहने की व्यवस्था। ताजमहल जाने को नॉर्थ गेट, सामने वाला नॉर्थ गेट। सोलह सौ 30 में मुमताज की डेथ हो गई थी, 1631 में ताजमहल बनना शुरू हुआ और 1653 में ताजमहल कम्प्लीट हुआ। ताजमहल बनने में 22 साल लगे। वो 22 डोम देख रहे हैं ऊपर में, वो मेन में 11 डोम है सर, 11 बैक साइड में। मुगल टाइम तारीख कैलेंडर कैलकुलेटर नहीं था। वेस्ट कम्प्लीट 1 डोम, साउथ कम्प्लीट 1 डोम, ईस्ट कम्प्लीट 1 डोम, पूरी बिल्डिंग बनने में 22 साल लगे। इधर देखिए वाइट डोम, सांझा की पहली बेगम ने दफनाया, उनका नाम था फतेहपुरी बेगम, उनकी याद में लोकल मुस्लिम प्रेयर करने को मॉस बना दी। सेकंड दर वो सामने सेकंड बेगम वहाँ दफनाई, और देखो इस गेट के बाहर उनके नाम से मॉस बना दी चंदनी बेगम। सांझा की सेपरेट बेगम मुमताज पूरी बिल्डिंग बना दी, मुमताज की कबर अंदर में है। ये रूम देख रहे हैं छोटे छोटे रूम पूरे ग्राउंड के अंदर, 210 बढ़िया इंजीनियर बढ़िया कारीगर रहने की व्यवस्था। आप जो खड़े हैं ना इसको बोलते हैं फोर कोर, उसमें फोर गार्डन बची दो डैम। ये लॉर्ड कर्जन की गिफ्ट 1905 में, ठीक है। हाँ फ्रेंड्स हम अब ताजमहल के मेन गेट के अंदर रॉयल गेट से एंटर कर रहे हैं। देखिए आपको सामने बिल्कुल ताजमहल दिखाई दे रहा होगा। वी आर गेटिंग मोर क्लोजर एंड क्लोजर टूवर्ड्स द ताजमहल। दिस इज द रॉयल गेट जिससे हम एंट्री कर रहे हैं। आप यहाँ की नक्काशी देखिए, क्या ही बेहतरीन। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल इट इज। हाँ ऑनलाइन टिकट बुक।
पहुंच चुके हैं ताजमहल। अभी मैं आपको यहाँ दूर से दिखा रहा हूँ और फिर मैं थोड़ी देर में आपको पास से दिखूंगा जो आपका रॉयल गेट जो मैं आपको दिखाया था। ये देखिए क्या ही बेहतरीन नक्काशी इसमें खड़ी हुई है। यहाँ उर्दू भाषा में कुछ लिखा हुआ है, बहुत बेहतरीन चीज़ है, आपको ज़रूर आना चाहिए यहाँ पर। मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, देखिए दिस इज द गेट ऑफ बुलंद दरवाज़ा। रॉयल गेट के नाम से जाना जाता है। सो फ्रेंड्स अब हम ताजमहल की ओर बढ़ रहे हैं। माहिरा माहिरा इसका हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो उसको, हमारा लुक बैक, यू आर इन फ्रंट ऑफ ताजमहल बेबी। जो आपने मेन में देखा 11 बॉय बैग में एक जगह है ना, पूरा ताजमहल 60 एकड़ में कंप्लीट है। अंदर में गार्डन दिख रहे हैं, ऑल बिल्डिंग 16 गार्डन, ये फाउंटेन दिख रहे हैं 53 फाउंटेन, 1631 में ओपनिंग और 53 में कंप्लीट। अब देखिए मुगलों में सबसे पहले बाबर, बाबर का सन हुमायूं, हुमायूं का सन अकबर, अकबर का सन जहांगीर, जहांगीर का सन शाहजहां, शाहजहां का सन औरंगजेब, लास्ट बाबर का जफर, ब्रिटिश हुकूमत इंडिया गवर्नमेंट, मुगल टाइम शाहजहां का जो माइंड था बिल्डिंग बनाने में था, कभी रेट स्टोर में कार कराना, कभी बाइक स्टोर में कार कराना, गार्डन के लॉन थे मगर मेंटेनेंस नहीं था, ये सब इंडिया गवर्नमेंट की जितनी भी झाड़ देख रहे ना जी जी, उसको बेटर बनाने की इंडिया गवर्नमेंट की सपोर्ट से हुआ, ये सब इंडियन गवर्नमेंट ने करवाया है। ये रेट स्टोन भरतपुर से 100 किलोमीटर आगे राजस्थान, राजस्थान भरतपुर, व्हाइट स्टोन राजस्थान मकराना 350 किलोमीटर आगे, मतलब जितना भी जैन दिया तो टर्की अफगानिस्तान से आया, मुगल टाइम बिल्डिंग बनने में खर्चा कितना आया, 4 करोड़ 40 लाख मुगल टाइम गोल्ड की कीमत, 4 करोड़ 40 लाख मुगल टाइम गोल्ड की कीमत बनाया है, 12 ग्राम गोल्ड 15 रुपये का था। ये बाइक बाइक प्लेटफार्म देख रहे हैं ना, फोटोग्राफर यहाँ तक बैठे, जो भी फोटोग्राफर आएगा कैमरा मोबाइल का जूम छोटा है, ताजमहल का गेटअप बड़ा है जी जी, इसलिए अलाउड नहीं है। ओके और एक बिल्डिंग देख रहे हैं सामने, तो मेहमान खाना ऐसी बिल्डिंग इधर दी, ये मस्जिद दोनों बिल्डिंग सेम, बीच में ताजमहल, वाइट साइड से मेहमान खाना, ये लाल वाला मेहमान खाना है, हाँ ऐसी लाल बिल्डिंग इधर देखो कॉर्नर पे, ठीक है इधर भी है वो मस्जिद है। ओके ये रेड बिल्डिंग देखो इधर, इधर देखो सामने, फिर ये क्या चीज़ है, ये देखो सामने देखो पहले दोनों सेम, हाँ जी सेम बने हुए हैं, ड्रम बस्ती थी ओके, प्लेटफार्म फोटोग्राफर वैलिड आगे मोटर हाउस जी। दोस्तों ये मुगल टैंक है, यहाँ से वर्करों के लिए पानी निकाला जाता था, यहाँ रस्सी लगा करके नीचे पानी हुआ करता था उस ज़माने में, अभी तो सूखा पड़ा हुआ है। आगे मैं आगे आपको ले चलता हूँ, ये आप सामने लाल रंग की बिल्डिंग देख रहे हैं, ये मेहमान खाना है, तो यहाँ पर ढोल नगाड़े बजाए जाते थे। मुमताज़ की डेथ 1630 में हुई थी मगर आगरा में नहीं हुई थी। ओके मुमताज़ की डेथ हुई मध्य प्रदेश बुरहानपुर MP, मुमताज़ शाहजहां के साथ में राज्यों से कर लेने जाती लगान, मगर मुमताज उस पीरियड प्रेग्नेंट थी, उनको नहीं मालूम था डिलीवरी टाइम, तो मुमताज ने लड़की रोशनारा बुरहानपुर पहुंचने के बाद 6 बजे का टाइम था, उनको पिन हुआ, बेटी को जन्म दिया, बेटी का नाम रखा रोशनारा, मगर मुमताज़ की डेथ जन्म देते ही हो गई, शाहजहां उनकी बॉडी कच्ची कब्र वहीं बना दी बुरहानपुर में, फर्स्ट ईयर ताजमहल बनने का सिलसिला वही जा रहा था, मगर रीजन क्या था वहाँ अर्थक्वेक की वजह से कैंसिल करना पड़ा, पहले ताजमहल मध्य प्रदेश से बनना था, हाँ फिर आगरा बना दिया ताकि भूकंप के झटके से बचा रहे। तो यहाँ ताजमहल बनने में 400 साल में कुछ कम है अभी, पूरा नहीं हुआ, तो यहाँ ओपनिंग करके
1631 में 22 साल में पूरा ताजमहल कंप्लीट कर दिया। 22 साल लग गया ताजमहल। और मुमताज की जो बॉडी है ना, सामने गेट देख रहे हो डोर, उसके नीचे ही जस्ट ही रियल बॉडी है बेसमेंट में। उसके आगे बढ़ोगे थोड़ा, वहीं डेमो बना दी ऊपर ऊपर, जितना भी इंडियन NRI फॉरनर जो भी आएगा वो तो डेमो देख के जाता है। रियल बॉडी में बेसमेंट जगह कम, उसको बंद बैन किया है। इनके बच्चे नहीं हुए, मुमताज से पहले दो बीवी और थी, फतेहपुरी बेगम, सरीदी बेगम, उनके बच्चे नहीं हुए। मुमताज से लव करके शादी की, उनसे 14 बच्चे हुए मुमताज से। 8 बच्चे उनके डेथ एक्सपायर हुए और 6 बच्चे बचे। बच्चों का नाम दारा, सुजा, मुराद, औरंगजेब। लड़की जानारा, लड़की रोशनारा, सब में तेज थे औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने फादर को 1658 में आगरा फोर्ट के अंदर, रिवर साइड जाओगे ना तो आगरा फोर्ट, वहीं नज़रबंद कर दिया 1658 में। 8 साल काटने के बाद शाहजहाँ की डेथ हो गई 1666 में। 1666 में शाहजहाँ डेथ हो गई। उनकी बेटी जानारा रोशनारा ने कबर बना दी। इसके पीछे देखोगे मेहताब गार्डन है जी, रिवर साइड। हाँ जी, हाँ जी। तो ब्लैक ताजमहल बनाने, फिर शाहजहाँ एक ताजमहल बनाना, और पहले ब्लैक ताजमहल बनाने का भी प्लानिंग था। हाँ, मगर बना नहीं पाए, उससे पहले उनकी डेथ हो गई। डेथ, और उनके बेटे औरंगजेब ने उनको कैद कर लिया, कैद कर दिया 1658 में। ओके, ताजमहल को जहाँ से भी देखो एक जैसा ही लगेगा, चारों साइड सेम है, चारों साइड से सेम है। ये मस्जिद है, शाही मस्जिद। ओके, वो रेड बिल्डिंग सामने बना है, वो मेहमान खाना है। मेहमान खाना है। अब आपको इधर से जाना है, ऊपर जाएंगे साइड, जैसे घूमते हुए मेहमान खाने निकल जाएंगे। सामने 11 डोम का गेट देखा ना, रॉयल गेट, वहाँ से आपको राइट मार के बैठ कर जाना है। अगर टिकट लेना है ना ऊपर जाने का, वो टिकट काउंटर खड़ा हुआ सामने बाइक, यहाँ से हम ऊपर जाने का टिकट भी ले सकते हैं। हाँ, अभी हम तो यहाँ जाना है, यहाँ का टिकट भी है, यहाँ का जाने का टिकट है 200 रुपीज़। ये लोग भी जा रहे हैं ना, 200 का टिकट लेके जा रहे हैं एक्स्ट्रा। वो टिकट काउंटर खड़ा हुआ सामने, दर बदे को बाइक, हाँ से मिल जाओ। हेलो फ्रेंड्स, अब हम ताजमहल के ऊपर वाले डेक पर आ चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे रेड स्टोन सजाया हुआ है, और ये ताजमहल के ठीक सामने एक मस्जिद बनी हुई है, जहाँ पर मुग़ल और समाज और सब लोग नमाज पढ़ते थे। ये ताजमहल है, चारों तरफ से जहाँ से भी देखेंगे आपको एक जैसा ही नज़र आएगा। और ये सामने जो रेलिंग आप देख रहे हैं वहाँ पर, उसके साइड में यमुना नदी बह रही है। आइए मैं आपको यमुना नदी दिखाता हूँ, उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए क्या खूबसूरत बिल्ड ऑफ आर्किटेक्चर है ये। दिस इज द 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। माहिरा डोंट रन, माहिरा बहुत ही इंजॉय कर रही है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ साइड में ये रमना नदी बह रही है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये। माहिरा आपको बताना चाहते हैं ताजमहल के बारे में। ये माहिरा बता रही है कि ये ताजमहल के साथ में यमुना नदी बह रही है, और अभी हम ताजमहल के बैक साइड वाले रूम में चल रहे हैं। ताजमहल 4 पिलर से घिरा हुआ है, इसके चारों तरफ एक एक खंभा है। ये खंभे देखने में से लगते हैं सीधे खड़े हैं, लेकिन चारों खंभे दूसरी तरफ झुके हुए हैं। ये चारों तरफ इसलिए झुकाए गए थे दोस्तों, ताकि अगर कभी बाई चांस भूकंप आ जाए तो ये मीनारे ताजमहल के ऊपर ना गिर कर बाहर की ओर ही गिरे। लेकिन देखने में इनको पता ही नहीं लगता कि ये बाहर की तरफ टिल्ट हो रखी है। ओके फ्रेंड्स, अभी हमने उस साइड दिखाया था आपको, वो मस्जिद थी, लेकिन इसके सामने ये दावत खाना है। यहाँ पर मुग़ल सम्राट के साथ दावत किया करते थे, रानी के साथ, और यहाँ पे उनकी स्वागत में नगाड़े भी बजाए जाते थे। ये देखिए कितनी खूबसूरत मीनार है। आइए मैं आपको ये मीनार और भी नज़दीक से दिखाता हूँ। ताजमहल चारों ओर से मीनारों से घिरा हुआ है।
माहिरा को देखिए आप कितना एंजॉय कर रही है, आगे आगे भाग रही है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आगरा का टूर, जैसा कि आपको मैंने दिखाया पहले हम इत्मादुल दौला गए, उसके बाद हम ताजमहल आए जो कि दौला जो है मिनी ताजमहल के नाम से जाना जाता है, और ये हमारे सामने असली ताजमहल है जो शाहजहां ने बनवाया था मुमताज़ की याद में। जैसा कि आपको बताया गया इसको बनने में 22 साल लग गए दोस्तों, 22 साल। आप इस ताजमहल की ब्यूटी को देखिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं आपको अभी थोड़ा और फ्रंट पे ले जा करके उसके सामने के जो हैं फाउंटेन्स बने हुए हैं, गार्डन्स हैं, वो भी दिखाऊंगा। अभी आइए हम आगे बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था मैं बाहर निकल करके आपको ताजमहल फ्रंट से दिखाऊंगा। ये देखिए मेरे पीछे बिल्कुल ताजमहल है और उसके आगे फाउंटेन्स लगे हुए हैं, साथ में गार्डन जा रहा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ऐसा लग रहा है जैसे ताजमहल को हमने किसी ने उठा कर रख दिया है। बड़ा ब्यूटीफुल वे, आपको मैं रिकमेंड करता हूँ जब भी आएँ ताजमहल ज़रूर देखते हैं। जब भी आपका आगरा आना हो, अगर आप स्पेशल ताजमहल के लिए आते हो इसमें कोई हानि नहीं है, बहुत ही अच्छी जगह है देखने के लिए, घूमने के लिए आप ज़रूर आएँ। ताजमहल इज़ अ वेरी वंडरफुल प्लेस। सी यू। हेलो दोस्तों, आज हम आ पहुँचे हैं आगरा के लाल किला पर। देखिए ये लाल किला का मेन गेट है, आप यहाँ से एंटर करेंगे और ठीक सामने आपके लाल किला है। इसके राइट हैंड साइड पर टिकट घर है, यहाँ से आप ऑनलाइन में टिकट करा सकते हैं। यहाँ इंडियंस के लिए टिकट 40 रुपये है, आप 40 रुपये 50 और 10 रुपये अलग से है टैक्स, उस पर 50 रुपये के अंदर आप आगरा फोर्ट देख सकते हैं। चलिए हम चल करके आप टिकट लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमने यहाँ से ऑनलाइन टिकट ले लिया है, आप देख रहे हैं मेरे पीछे मैं लाल किला आया हूँ। आइए मैं आपको ले चलता हूँ लाल किला। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मैदा यहाँ पर फ्रूटी ले रही है अलॉन्ग विद हर मदर। आइए मदर फ्रेंड विद लेट्स गो। आइए हम आगे बढ़ रहे हैं लाल किले के गेट की ओर। यहाँ देखिए नीचे स्कूटर बाइक कार की पार्किंग दी हुई है, यहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं आज भी आप अपने व्हीकल से आ रहे हैं। ये सामने मेन गेट है, इस मेन गेट से एंट्री कर पाते हैं। यहाँ लाइन लगी हुई है तो हमको लाइन में लगना होगा।
अभी हम यहाँ एंट्री की लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ आप जब भी आएंगे तो आपको सेल्फी स्टिक अपनी जरूरत है या फिर उसको यहाँ पर लॉकर में जमा करना है, क्योंकि अंडर एंट्री में सेल्फी स्टिक अलाउड नहीं है, ना ही ताजमहल में आपको सेल्फी स्टिक लगाने देंगे, ना ही लाल किले में और दूसरे कोर्ट्स हैं, हर जगह में सेल्फी स्टिक नॉट अलाउड है। आपको अपने हाथ से ही कुछ फोन पकड़ के वीडियो लेनी होगी, पूरा हाथ क्लैपशॉट होगा बस, लेकिन ऐसे ही काम कराना पड़ेगा फिलहाल। तो फ्रेंड्स हम लाल किला में एंटर कर चुके हैं, यहाँ पर रेस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर सीढ़ी जाती है लेकिन इस पर प्रवेश निषेध है, ऊपर चढ़ना अलाउड नहीं है। यहाँ से आप देखिए ये लाल किला का आगरा फोर्ट का रेड फोर्ट जो है, आगरा का रेड फोर्ट इसका मेन डोर है। अभी हम यहाँ से अंदर की ओर बढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स अब हम आगरा फोर्ट में एंट्री कर रहे हैं, यहाँ अंदर आकर देखिए कितना ही अच्छा लग रहा है, छांव रखी है थोड़ी सी क्योंकि बाहर आज बहुत गर्मी है, ये फरवरी का महीना फिर भी गर्मी बहुत तेज हो रखी है। पर आप लोग गाइड नहीं है, बहुत कम क्या है, काफ़ी लोग यहाँ घूमने फिरने के लिए आए हुए हैं आज। इस तरह थोड़ा सूरज है तो आपको ठीक से शायद नज़र नहीं आएगा। अभी हम थोड़ा और अंदर को प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ से अंदर आकर के देखिए आपको ऊपर को चढ़ के जाना पड़ेगा, रास्ता थोड़ा चढ़ने वाला है। जैसे हम अंदर एंट्री करते हैं दोस्तों सामने के किला नजर आता है, नीचे गार्डन है बहुत ही खूबसूरत फूलों से सजा हुआ। उसके मामा राजा मानसिंह ने उसका जन्मदिन के दिन वो वन पीस का है सर, वो टावे उसमें वो नहाते थे गुलाब जल से नहाते थे, उनके दर्शन नहीं पहले भी अंदर साइड में रखा हुआ था, और जो जहांगीरी महल है ना पूरे हिंदू डिजाइन का बना हुआ राजस्थान में डिजाइन का। चलिए अब खड़े हो जाइए, वीडियो चल रहा है, चलिए व्हाइट कलर जो रेड स्टोन का है ना, ये अकबर और जहांगीर ना 2 किलोमीटर के एरिए में है। ओके 75% आदमी के अंदर में है, 25% आपको देखने के लिए होता है, वो ब्लॉक कर रखा है। हाँ क्यों मुगल टाइम मुगल आदमी फिर इंजी टाइम ब्रिटिश टाइम ना हो इंडियन आदमी कोई तो नहीं कह रहा हूँ। आइए इधर बैठो। तो देखिए सर ये 4 बादशाहों ने मिलकर बनाया था, अकबर जहांगीर शाहजहां और औरंगजेब, 4 बादशाहों ने मिलकर ये 95 वर्ष पूरा किया था, 95 ईयर्स। तो देखिए सर ये आगे जो वाइट कलर का है ये शाहजहां का है, ये शाहजहां की 2 लड़कियां थी रोशनारा और जहानारा, ये छोटी लड़की रोशनारा ही पालकी है, बड़ी लड़की जहानारा की दोस्ती है पालकी, पालकी में तो बहने का ये शाहजहां मुमताज का बेडरूम है, ये इधर साइड में है, ये अंगूरी बाग के बारे में बताते हैं। कमाल ये ग्रेप गार्डन है, अंगूरी बाग, कश्मीर से मिट्टी मंगाई जाती थी इसके लिए। ओके और कश्मीर से मिट्टी मंगाई जाती थी क्योंकि अंगूर खाने का बड़ा शौक था जहांगीर बादशाह का। और सामने नीचे ऊपर जो बालकनी दिख रहे हैं ना उनकी अरहम लेटी रहती थी, उनकी दासियां रहती थी नीचे बालकनी खंडरों में। और जो देख रहे हैं ना यार ये फाउंटेन है फुब्बारा, पहले कोई इलेक्ट्रिक का सिस्टम नहीं था, ऊपर साइड में टैंक था, ऊपर से पानी आता था, फुब्बारा चलता था। ये शाहजहां मुमताज का बेडरूम है, इसको खास महल बोलते हैं, दीवाने खास। हाँ दीवाने खास, दीवाने खास नहीं था खास महल, दीवाने खास तो ऊपर है, दीवाने आम फार में चले। और ये जो गोल्डन कलर का बना हुआ है, ये पहले गोल्डन जो ब्रिटिश टाइम लूट के लगे ब्रास है तांबा, अब ये तांबा रह गया है, इसका सोना अंग्रेज लोग लूट के ले गए। आइए हमारे संगी घूम लीजिए आप, आ जाइए। अभी मम्मा को आने का
तो फ्रेंड्स अब यहाँ से हम निकलेंगे उस जगह की ओर जहाँ पर शाहजहाँ को कैद किया गया था और शाहजहाँ वहाँ से ताजमहल देखा करते थे। वहाँ पर एक डायमंड लगा हुआ था, डायमंड हाँ, उनकी बड़ी लड़की जहानारा ओके तो उनकी देखभाल करती थी, तो उन्होंने डायमंड लगाया था, तो वहाँ पर ताजमहल का सीधा रिफ्लेक्शन था। मैंने जराओ यहाँ से सामने ताजमहल दिख रहा है, हाँ वो वहाँ से दीवारें खासतर दिखाई दे रहा है। मुसम्मन बोल तो साजा को कैद किया था औरंगजेब ने, इसी में कैद किया था, नज़रबंद भी कहते हैं, कैद खाना भी कहते हैं, जेल खाना भी कहते हैं। तो जब उनकी आँख कमज़ोर हो गई तो यहाँ पे साजा की बड़ी लड़की जाने वाले ने डायमंड लगा, तो यहाँ से ताजमहल का सीधा रिफ्लेक्शन पड़ता है, तो यहाँ पर बैठे बैठे ताजमहल देखा, तो सामने को देख रहे हैं ना जो गोल्ड था पूरा डायमंड हीरे जवाहरात लगे हुए थे, जो ब्रिटिश के अमरूद के लिए जो फाउंटेन भी है, पहले कोई इलेक्ट्रिक बात सिस्टम नहीं था, उनके साथ में टैंक उनका से पानी आता था, दोबारा कर ये वन पीस कास है, 8 साल कैद रखे थे, 8 साल उनकी देख रहे थे, तो उनकी बड़ी लड़की जाना उनको देख रहे थे। चलते हैं दीवाने खास जो प्राइवेट की फिल्म मेरे दर अब हम दोस्तों ऊपर की ओर चल रहे हैं, ऊपर से हम आपको दिखाएंगे दीवाने खास, ये सीढ़ियां जा रही है ऊपर, देखिए ये अंडरग्राउंड रास्ता है, साजा की जब डेथ हुई थी बड़ी लड़की जाना इधर साइड से ले गई डेथ बॉडी को ताज में। आइए हम दीवाने खास के ऊपर में बढ़े, ये शीश महल का जो शाहजहाँ ने मुमताज के लिए शीश महल बनवाया था, बाथरूम नहाने का जो आजकल क्लोज है बंद, छोटे छोटे गिलास लगे हुए, तो शाहजहाँ की बड़ी लड़की जहानारा उनकी देखभाल करती थी जब नज़रबंद थे, तो ये मीना मस्जिद है सामने से, यहाँ पर मीना मस्जिद है, नमाज पढ़ने के लिए जाते थे उनकी बड़ी लड़की थी। अब हम दीवाने खास पर आ चुके हैं, ये दीवाने खास है, दीवाने खास जो प्राइवेट मीटिंग होता है मंदिर में, मीटिंग होने के बाद में लास्ट में बोले दीवाने आम जो आम जनता का फैसला हुआ था, वो व्हाइट कलर का दिख रहा है, वो साजा वास्ता बैठ जाते हैं तो साइड में इस वाले में, हाँ व्हाइट कलर, और जो ब्लैक स्टोन दिख रहे हैं वो जहांगीर वास्ता बैठते थे, इसको कसौटी पत्थर बोलते हैं, वन पीस का है। तो देखिए एक अंग्रेज ने अटैक किया था, एक बम का गोला छोड़ा, सामने जो छेद दिख रहे हैं ना वो बम का गोला यहाँ पड़ा था, तो स्लिप होकर ये चटक गया था दीवार में, जो जहांगीर ये कसौटी पत्थर वन पीस का बोलते हैं। दोस्तों ये है दीवाने खास जहाँ अपने बादशाह अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग किया करते थे, दीवाने खास जो प्राइवेट मीटिंग में करते थे। ये ताजमहल दिखाई दे रहा है ना सर, ये यहाँ से छोटा सा दिखाई दे रहा है, उधर जाएंगे ना दीवाने की तरफ तो हमें बड़ा दिखाई दे रहा है, ये डबल खाई दिखाई दे रही है, पानी वाली खाई जो क्रोकोडाइल मगरमच्छ रहती थी इसमें सूटी खाई है, लाइन टाइगर एलिफेंट ऐसी चीज रहती थी, कोई दुश्मन अटैक नहीं करता देख रहे हैं। और यहाँ पर उनकी बाउंड्री के ऊपर किले की बाउंड्री के ऊपर यहाँ पर उनके फौजियाँ खड़े रहते थे,
तो कोई दुश्मन अटैक नहीं करेगा, जमुना नदी है ताजमहल है छोटा सा, यहाँ से जाएंगे तो सर दीवाने आम देखते आम की तरफ क्योंकि बड़ा दिखाई देगा, ये नज़र का वो है सर, ये जमीन का कसर भी करता है। आओ मैं रहो ये सारी हमाम था उनका, बाथरूम उनका नहाने धोने का जो आजकल बंद पड़ गया, फ्लू हो जाएगा। ओके, और ये कुंडे दिखाई दे रहे हैं ना, ये सामियाना टेंट तान दिया जाता था इनका सामियाना। तो देखिए इधर साइड में मीना बाजार रहता था अकबर और जहांगीर के टाइम में, मीना बाजार, मीना बाजार का मतलब ओनली लेडीज आती थी सिर्फ, अच्छा खरीदारी करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, मीना बाजार अकबर की दासियाँ महारानियाँ रानियाँ और फिर एक बेटे तरह। और इसके बाद में शाहजहाँ ने अपने टाइम में ये मच्छी तालाब बना दिया, फिश टैंक, छोटी छोटी स्मॉल फिश पाली जाती थी इस गार्डन के अंदर। हाँ नीचे तो यहाँ पर बादशाह बैठते थे, उधर साइड में सामने इधर साइड में रानी बैठती थी, इंजॉय करते थे पकड़ने में। रानी कहाँ बैठती थी? इधर साइड यहाँ ऊपर रानी बैठती थी। हाँ वहाँ वो बादशाह वहाँ बैठते, बादशाह जी यहाँ बैठते थे। यहाँ पे बादशाह अकबर ने अपना फिश टैंक बनाया हुआ था पहले, अब यहाँ गार्डन शाहजहाँ ने फिश टैंक बादशाह वहाँ रानी के साइड में इंजॉय करते थे पकड़ने में, बादशाह वहाँ से पकड़ते थे, रानी सामने यहाँ से पकड़ते थे। देखिए सामने जो देख रहे हैं ना, वो हेड क्वार्टर से नीचे ऊपर जो रूम देख रहे हैं ना, ये उनके हेडक्वार्टर थे, मंत्री लोगों के हेडक्वार्टर ऑफिस थे उनके। ओके हाँ, तो आपको हमने दीवानी खास दिखाया, प्राइवेट मीटिंग हुआ करती थी लास्ट बिल्डिंग में, दीवानी आम जो आम जनता का फैसला हुआ करता था। सर जी और कौन कौन सी बिल्डिंग है जी, और कौन कौन सी बिल्डिंग है? आपको हमने जानकारी मैसेज दिया ना सर, ग्रेप गार्डन दिखाया, साजा मुमताज का बेडरूम और रोशनारा जमारा की पालकी, साजा का कैद खाना दिखाया, शीश महल जमुना नदी से चौड़ा थोड़ा दिखा दे, यहाँ से ऐसा जमुना नदी जाती है साइड से नज़र कर रहे हैं, अब वो नदी नीचे से ताजमहल दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ताजमहल बड़ा हो गया। ये दीवाने आम, दीवाने खास, दीवाने आम लास्ट में नीचे है, चलिए हम दीवाने आम की ओर आगे बढ़े। चाली करके लाओ आ लो भैया, कार को बताना वो बराबर थोड़ी आएगी सबके नाम बता दे, अभी पूछेंगी कि मुमताज का बाप कौन था, तुमने क्या बोला फिर का। दोस्तों ये था हमारा आज का ब्लॉग लाल किला, आगरा के लाल किला से, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। बहुत जल्द मैं आपसे फिर मिलूँगा अपने अगले ब्लॉग में, यदि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हमें भी आगे के लिए मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी जगहों को लेकर के आए। सी यू सून, bye।